वृक्ष हमारे लिए कितना ज्यादा महत्व रखते हैं, इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतना ही कम है। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में जानकारी देंगे जिसके लिए कहा जाता है कि इस वृक्ष को स्वर्ग से लेकर आया गया है। जी हाँ, यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं पारिजात के वृक्ष के बारे में। इस वृक्ष की यही खासियत है कि जितने इस वृक्ष में दैवीय गुण हैं, उतने ही इस वृक्ष के औषधीय गुण भी बताए गए हैं। साथ ही पारिजात के फूलों की अत्यधिक महत्ता है। अगर पूजा पाठ में इन फूलों का इस्तेमाल किया जाए तो देवी देवता अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार इस वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। फिर देवराज इंद्र इसे अपने साथ स्वर्ग ले गए और इस वृक्ष के फूलों को छूने का अधिकार मिला इंद्र की सबसे प्रिय अप्सरा उर्वशी। इस वृक्ष के फूलों को केवल छू लेने मात्र से ही उर्वशी की सारी थकान दूर हो जाया करती थी। इस वृक्ष के फूलों की एक और खास बात ये थी कि वह केवल रात के समय खिला करते थे, सुबह होने के साथ ये फूल भी मुरझा जाया करते थे। अब आपको बताते हैं कैसे ये स्वर्ग का पेड़ धरती पर आया। हरिवंश पुराण के अनुसार जब द्वापर युग में विष्णु जी कृष्ण अवतार में धरती पर अपना जीवन यापन कर रहे थे, तब नारद जी श्री कृष्ण से मिलने आए और अपने साथ पारिजात के फूल भी लेकर आए। तब श्री कृष्ण ने इन फूलों को ले जाकर अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दिया। लेकिन जब इस बात की खबर कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को हुई, तब वह श्री कृष्ण से बेहद नाराज हुई और हट करने लगी कि उन्हें भी फूल चाहिए, उन्हें अपनी वाटिका में पारिजात का वृक्ष लगाना है। कृष्ण के समझाने के बाद भी सत्यभामा नहीं मानी। तब श्री कृष्ण ने अपने एक दूत को इंद्रदेव के पास भेजा और उससे वृक्ष लाने को कहा, लेकिन इंद्रदेव ने स्वर्ग के इस वृक्ष को देने से मना कर दिया और दूत को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। इधर दूत को खाली हाथ लौटता देख कृष्ण भी क्रोध में आ गए और इंद्रदेव से युद्ध करने की ठान ली। फिर इंद्रदेव से युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण ही इस वृक्ष को धरती पर लेकर आए, लेकिन अपनी पत्नी सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा रास रचा जिससे ये वृक्ष लगा तो सत्यभामा की वाटिका में, लेकिन इसके फूल गिरते थे रुक्मणी के महल में। और यही कारण है जिसकी वजह से आज भी पारिजात के फूल वृक्ष से काफी दूर जाकर गिरते हैं।